उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी नालों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वहीं कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। मॉनसून में पिछले 10 घंटों से लगातार हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। नगर की वीआईपी सड़क कही जाने वाली राजमार्ग पर ड्रम हॉल के समीप बारिश से सड़क धस गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। लोनिवी की ओर से प्रभावित क्षेत्र में ट्रीटमेंट का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जिले में 21 सड़कें बंद हो गई हैं। अल्मोड़ा हाईवे पर भी बारिश के कारण पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण वाहन चालकों पर खतरा बना हुआ है। नैनीताल के डीएसबी के मुख्य गेट तथा ड्रम हॉल के समीप भूकटाव हुआ था, जिसके बाद यहां लगातार मरम्मत का काम किया गया, पर एक बार फिर डीएसबी परिसर के ऊपर ड्रम हॉल क्षेत्र में सड़क पर बीते सोमवार से दरारें आ गईं। इसके ठीक नीचे आबादी वाला हिस्सा होने के कारण क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षेत्र में ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है। पर बुधवार सुबह बारिश के कारण सड़क का आधा हिस्सा टूट कर गिर गया। लोनिवी के सहायक अभियंता पीसी उप्रेती ने बताया कि पिछले साल संबंधित क्षेत्र में भूकटाव हुआ था, जिसे दुरुस्त करने के लिए देवी आपदा के तहत 5,78,000 रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। बुधवार से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बृहस्पतिवार को धारी पोखराड़ मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने के कारण आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया। मार्ग के बंद होने से ग्रामीणों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। जलभराव के चलते लोगों के आवागमन में परेशानी आ रही है। वहीं जिलाधिकारी की ओर से गठित प्रशासन की टीम बारिश से हुए नुकसान की जानकारी जुटा रही है। चमोली के छिनका में बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने पर वाहनों का लंबा जाम लग गया है।